तो ये सूट है एक। थैंक यू मामी, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट देने के लिए। तुमको कुछ पसंद आया? मैं और कुछ उसके अलावा आप देखो आपको जो पसंद आए ले लेंगे। I know that I haven't been who I was. I am supposed to be. Good evening, guys. Welcome to Indian Mom Studio. आज दोपहर में मैंने एक नींद ले ली अच्छी, बस लेट गई थी, सोचा नहीं था नींद आ जाएगी, लेकिन आ गई आज नींद। शाम की चाय तो है, साथ में कुछ नाश्ता भी ढूंढ लिया जाए। ये कल जो सामान आया था ना वो है ये सारा। एक तो ये स्वीट आई थी, थे ये मामा मामी लेकर आए हैं, ये तो इसमें भी वो कुछ तो नमकीन लेकर आए, वही होली की नमकीन, ये खाएंगे चाय के साथ, है ना। और मामी कह रही थी मैं तुम दोनों के लिए ना कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ, खोलकर जरूर देखना। मैं सोची थी मैं उन्हीं के सामने खोल लूं, फिर पता है बातों में इतने ज्यादा उलझ गए कि फिर याद ही नहीं रहा। तो अब खोल के देखते हैं कि इसमें लाई क्या है मामी, ये तो चेक कर लेना, मुझे बता देना। ओहो ओ वाओ, कितनी प्यारी शर्ट है, पहन के देखना आप। मामी को बता देना, मामी कह रही थी। तो तुम्हें कैसी लगी अपनी शर्ट? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अभी ट्राई करूंगा ना, फिट हो जाए मेरे ऊपर। उसमें क्या है मैं देखूं तो सही। ये देखिए, वाओ, अरे ये देखो मेरे लिए भी कपड़े आए हैं, क्या बात है। ये भी कपड़े हैं। ये बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा सुपर सा कलर है, पिंक कलर्स और उस पे एम्ब्रॉयडरी है। तो ये सूट है एक। थैंक यू मामी, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट देने के लिए। अब मैं इसे बनवाऊंगी, और ये पता है बिल्कुल समर का है तो मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है इसका कपड़ा, कपड़ा बहुत ही प्यारा है इसका। और ये इसका दुपट्टा देखिए कितना प्यारा सा है, तो बहुत ही अच्छा है, है ना। हाँ। सूट बहुत सुंदर है मामी, थैंक यू सो मच। लेवेंडर है ये, लेवेंडर कलर है, लेवेंडर कलर है। अभी वैसे मेरी पता है ना पूरी एक बैग बन चुका है जो मुझे स्टिचिंग पे डालना है। जल्दी डाल के आओ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं थक जाती हूँ। नवरात्रे आ रहे हैं, उस टाइम पे तुम पहनोगी तो अच्छा अच्छा लगेगा। हाँ यार, मैं डाल के आती हूँ ये सारे कपड़े समर के लिए, है ना। बहुत सुंदर सूट है, अच्छा सूट है, थैंक यू सो मच मामी। और ये वाली जो स्वीट है ना, आपने मिले थे ना जिनसे इस बार वाले ब्लॉग में, ये वो लोग लेकर आए थे, तो वो हमारे घर पर फर्स्ट टाइम आए थे इस वाले घर में। हाँ, इस वाले घर में। तो हम चाय के साथ इसे खाएंगे ना, तो इसीलिए मैंने खोल लिया जल्दी। वाओ, इसमें है काजू कतली, तुम्हारी और कशिश की फेवरेट। कशिश की तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। चलिए चाय पीते हैं, मफिन भी आ गया, ये पहन के ट्राई करके आता हूँ। आज जो ब्लॉग गया था ना गाइस, उस पर मैंने काफी सारे कमेंट्स पढ़े मेरे ड्रेस को लेकर। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ड्रेस पसंद नहीं आई, तो मुझे भी नहीं पसंद आई। मुझे भी नहीं अच्छी लग रही थी, जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी मुझे लग गया था कि ये ड्रेस नहीं अच्छी लग रही। इवन मैंने जब पहनी थी ना कल, तभी मुझे डाउट था कि ये ड्रेस इतनी मजेदार नहीं लग रही, ये ड्रेस में ना वो बात नहीं आ रही जो मुझे पसंद है। पहले मैंने ना ये निकाला था, एक्चुअली ये वाला कॉट सेट निकाला था सिंपल प्लेन व्हाइट कलर का, तो प्रशांत बोले कि ये बहुत प्लेन है, रीमा चेंज करके कुछ और पहनो। तो फिर बोले क्या क्या पहन सकती हो, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा कंफर्टेबल पहनना है, तो उनको ये वाला कॉट सेट दिखाई दिया, बोलते ये वाला पहन लो। मैंने कहा यार तुम सही बोल रहे हो, मैं ये वाला पहनूं? ये तो काफी ब्राइट और रेड कलर का है, उसमें काफी सारा फ्लावर बने हुए हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, जिस दिन से वो कॉट सेट आया है और मैंने पहनकर देखा घर में, तो उसके बाद ना मुझे इतना जचा नहीं वो कॉट सेट। होता है ना कि कोई चीज आप ले तो लेते हो लेकिन आपको वो पसंद उतनी नहीं आती है। ये उस टाइम की बात है जब मुझे उदयपुर जाना था, तब मैंने दो तीन कॉट सेट खरीदे थे, एक अपने लिए, एक दीदी के लिए और एक कशिश के लिए। तो मेरा वाला कॉट सेट मुझे इतना पसंद नहीं आया था पहनने के बाद। वैसे तो पिक्चर में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने घर पर ट्राई किया तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। फिर मैंने उदयपुर में तो पहन लिया था, मैंने कहा अब जब खरीद लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि फेंक देंगे, अब खरीद लिया है तो दो तीन बार पहन के पैसे तो वसूल करने चाहिए ना एटलीस्ट। तो इसी वजह से मैंने उदयपुर में पहन लिया। अब बात आई कल की, तो कल शाम को वो अचानक से दिखाई दिया मेरे वार्डरोब में, उन्होंने कहा ये पहन लो, बिल्कुल मजेदार नहीं लग रहा था ना, मुझे भी पता है ये बात।
कल प्रशांत की चॉइस थोड़ी गलत हो गई, प्रशांत तुम्हारी चॉइस गलत हो गई कल की। और मैं नहीं पहनूंगी वो कॉर्ड सेट, एक तो बहुत ही बल्की बल्की सा लगता है उसे पहन लो, वो ना मेरे साइज से दो साइज बड़ा है एक्चुअली, इसीलिए मैं यहाँ पर ना उसे टाई कर लेती हूँ जिससे कि थोड़ी फिटिंग आए, और फिटिंग की वजह से वो और मैं मोटी लगती हूँ फिर। yeah. अरे वाह, बिल्कुल फिटेड आया है, सही है, बहुत फिटेड आई है तुम्हें, बहुत सुंदर लग रही है तुम्हारे ऊपर, अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी, ठीक है, थैंक यू मामी एंड मामा। अभी जस्ट तैयार हो रही हूँ, निकलना है कहीं बाहर के लिए, खुद शॉपिंग करने भी जा रही हूँ आज, मैं किसी और को लेकर जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली हमारे घर के बराबर में जो नेबर रहते हैं ना आंटी अंकल, उन्होंने ना हमारे घर में वो देखे थे कुशन कवर, तो उन्हें बड़े पसंद आए थे कुशन कवर, खासतौर से जो सोफे पर मैंने बीड्स वाले डाले हुए थे ना, वो तो उनको बहुत ही अच्छे लगे थे। तो कई बार बोल चुके थे कि रीमा तुम कभी जाओ ना फर्नीचर टाउन वगैरह, तो मेरे को लेके जाना, मैं भी देखूंगी वहां पे कि किस टाइप के कुशन कवर मिलते हैं, उनको बहुत ही पसंद आए थे वाले, होली पर भी मिलने आए थे ना तब भी बिछे हुए थे वाले, तो उन्हें अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा हाँ मैं, तो मैं आज उनको लेकर जा रही हूँ अपने साथ, उनको देखते हैं कितने पसंद आता है। आप लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं ना वहाँ के कुशन कवर, एक्चुअली वो गाजियाबाद में फर्नीचर टाउन के नाम से शॉप है, होम डेकोर का है वो, और साथ में फर्नीचर भी मिलता है, तो आप लोग भी सजेस्ट करा करो ना, जो लोग मुझे दिल्ली से वॉच कर रहे हैं कि आप लोग, में अच्छी शॉप है वो, हाँ गाजी आराम वाली है जिसमें हम अपने कर्टेन वगैरह लेते हैं, कभी कभी वो लेते हैं, एक फर्नीचर टाउन है। प्रशांत को भी आलस आ रहा है, आज उनका छुट्टी वाला दिन है, सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है हर किसी की, तो वो अभी तक उठ के तैयार नहीं हुए हैं, जबकि मैंने आंटी को फोन कर दिया, आंटी तैयार हो जाइए हम फटाफट हम लोग निकलेंगे। अच्छा, तो आप लोग अगर दिल्ली की कोई ऐसी शॉप जानते हैं जहाँ से आप खुद परचेज करना पसंद करते हो, अच्छे मिलते हैं कुशन कवर या बेडशीट वगैरह ये सारी चीजें, तो बताना कमेंट सेक्शन में, हम लोग जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, ये है हमारे नेबर आंटी और अंकल, हेलो बोल दीजिए अंकल, हेलो। तो आज मैं आंटी अंकल को लेकर जा रही हूँ एक अच्छी सी जगह पर, जहाँ पर उन्होंने काफी टाइम पहले बोला था मुझे। आंटी आप क्या लेना चाह रहे थे? ये कुशन कवर। कुशन कवर है ना, मैं यही बोल रही थी, आंटी को कुशन कवर बड़े पसंद आए थे, तो मैंने कहा जब भी हम लोग जाएंगे ना उस साइड, तो आप लोगों को साथ में लेके चलेंगे, तो आज देखिएगा आपको पसंद आते हैं तो देखना। आंटी को भी काफी शौक है। अरे इनका घर देखिएगा, बहुत अच्छे से इन्होंने सजा रखा है, बहुत सही तरीके से, चार महीना यहाँ सजाती है, फिर नौ महीना। हाँ, बाय द वे आंटी आप कहाँ से बताइएगा? हम पटना से हैं। पटना बिहार से हैं आंटी, तो मेन पटना में ही रहते हैं आंटी अंकल। बहुत अच्छा लगता है जब भी आंटी अंकल यहाँ आते हैं ना, कुछ महीनों के लिए ही आते हैं, चार पाँच महीने के लिए, लेकिन उसमें बहुत अच्छा लगता है कि घर के बगल में कोई है, चहल पहल सी रहती है। हमें भी अच्छा लगता है कि रीमा और प्रशांत है, इतना केयर करने वाले, बहुत अच्छा। गर्मी में भी अपना टाइम निकाल, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे आप, मैं तो पहले भी निकाल लेती, मुझे आइडिया नहीं था कि आपका दिल है, तो मैं पहले भी चली जाती, इस बार आपने जब बोला ना तो मुझे लगा कि हाँ मैं अब की बार मैं कुछ चेंज करना चाह रही। I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. तुमको कुछ पसंद आया? और कुछ उसके अलावा? आप देखो आपको जो पसंद आए ले लेंगे, फिर सोफे के लिए ले लेंगे। मुझे तो यहाँ पे जब भी आती हूँ ना कुछ ना कुछ पसंद ही आता है। अच्छा है, यहाँ पे अच्छा कलेक्शन है इनके ग्लासेस का, मग्स का। फर्नीचर टाउन है गाजियाबाद में, मैं एड्रेस छोड़ दूंगा, आप चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे रीमा और अंकल आंटी ने दोनों ने शॉपिंग कर ली है। तो यहाँ पे कुशन चढ़ाए जा रहे ये हैं।
अरे वाह, आंटी कितने रुपए पीस दिया? 1100 था ना, 1100 प्लस उसके ऊपर डिस्काउंट दिया उन्होंने 10+5%, तो लगभग आई थिंक 125-140-150 का डिस्काउंट है पर पीस। आप लोग जाओ तो इंडियन मॉम स्टूडियो का नाम ले लीजिएगा। हाँ, तो आपको हो सकता है डिस्काउंट देते हैं वो। एग्जैक्टली तो हम लोग एड्रेस छोड़ देंगे उनका नीचे, फर्नीचर टाउन का, इट्स इन गाजियाबाद। शॉप पसंद आई आंटी? हाँ। हाँ। तो मैं लेकर आई हूँ अपने सोफे के लिए, एक एक डालने के लिए। हाँ, शेड क्यों लग रहा है? हाँ, यही मैं सोचू। नहीं, वो नहीं, नहीं, शेड है, वो शेड है, नहीं, नहीं, है येलो, देखो तो है, ये येलो है, ये गड़बड़ हो गया। नहीं, मुझे सेम लग रहा है। नहीं, हमें तो लग रहा है येलो पिशन। नहीं, सेम है, आपको उसकी वजह से लग रहा होगा, सेम है, वरना मैं आपको बता देता। हाँ, अब हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ से दिख रहा है, वैसे वाले में से लाए, बाकी क्लियरेंस में से लाए हूँ मैं ये। क्लियरेंस प्रेमी है हम लोग। एक्चुअली ये वैसे 1100 रुपए का मिला है मुझे, और ये क्लियरेंस में जो मुझे मिला है वो 600 के है। भाई जल्दी से डाल के देखो कौन से वाले अच्छे लग रहे हैं। दोनों ही अच्छे लगेंगे, मैं ये दोनों ही लाई हूँ, सोफे के लिए भी लाई हूँ और बेड पे डालने के लिए भी लाती हूँ मैं तो, आपको पता ही है। ये वाले भी फर्नीचर टाउन के ही हैं, इवन मेरे घर में जितने भी हैं सब फर्नीचर टाउन के ही हैं। अच्छा कलेक्शन रहता है वहाँ पे, और भी जगह जाना चाहिए हम लोगों को, लेकिन क्या होता है ना, हमें कोई एक जगह पसंद आ जाती है ना, फिर हम बार बार वहीं जाते हैं। ये मैंने ना मैचिंग का लिया था। हाँ। मैंने ना अपने सोफा जो है मफिन के मैचिंग का लिया था। मफिन के कलर का होना चाहिए। हाँ, मैंने देख के ऐसे मैच करते हुए लिया कि भाई मैं जो सोफा लूंगी उससे मेरा मफिन मैच होना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे मैंने आज नेटफ्लिक्स पे पता है कपिल शर्मा का शो देखा। हाँ, बड़ा अच्छा है जो नेटफ्लिक्स पे अब स्टार्ट हुआ है, जिसपे सुनील ग्रोवर भी वापस आया। हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा है, आप लोग देखना, जिसके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है वो देख सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है, अच्छा है। रेगुलर के हिसाब से ये सोबर साइड, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर जा रहा है और ये ना हाईलाइट हो रहा है, मुझे बढ़िया लग रहा है ना, बहुत सुंदर। किसी भी मफिन मैचिंग का लग रहा है बिल्कुल, हमारा मफिन गोल्डन रिट्रीवर का पीछे वाला जो लंबा वाला है ना, छोटा वाला, वो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मफिन के कलर। मफिन तुझे नज्जो लग जाती है, यही बात है बस सारी, वो मम्मी दादी की लगती है। कौन लगाता है तू? मम्मी दादी। जैसा कि काफी लोगों को मामी वाले ब्लॉग में मेरा ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं आया है या मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई है, तो मैंने एक बात नोटिस करी है जो कि मैं यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी कि जब मैं कभी किसी ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही होती हूँ तो जो कमेंट आते हैं कि दीदी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उसको सपोर्ट, तो उस चीज को सपोर्ट करने वाले लोग 5-6-10 इससे ज्यादा नहीं होते, लेकिन जिस चीज में मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ उस चीज को सपोर्ट करने वाले लोग भर भर के आ जाते हैं। वो तो होता ही है। तो नेगेटिविटी को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं लोग, मुझे एक बात समझ नहीं आती, उसको मतलब इतना पुश क्यों करते हैं कि ये चीज जो है वो गलत ही हो गई है। भैया माफ कर दो, गलती हो गई, क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से। आइंदा मत पहन लेना वो तो। आइंदा नहीं, मैं तो पहनूंगी, मैंने पैसे दिए हैं भाई, वो 1700। अच्छा, मैं कहूंगा तो मत पहनना, तो 1800 रुपए का तो था वो शायद, और अब उसे ऐसे तो नहीं मैं बर्बाद कर सकती, कहीं भी पहनूंगी तो भाई आगे भी हो सकता है मैं कभी पहनती हुई नजर आ जाऊं, लेकिन आप लोगों से पहले ही कपड़ों के ऊपर इतना बवाल हो के रखा है, क्या है यार? वो बात नहीं है, बात ये नेगेटिविटी को सपोर्ट कितना करते हैं, पॉजिटिविटी को भी उतना ही करा करो ना। जैसे किसी ड्रेस में मैं अच्छी लग रही हूँ तो उसको क्यों नहीं देते आप लोग 70-70-80-80 लाइक? वैसे इस पे तो रीमा खुद बोल रही है कि हाँ भाई मुझे नहीं पसंद आई वो ड्रेस, मुझे भी नहीं अच्छी, तो कोई बात नहीं, फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। मुझे लग रहा था कि नहीं ये इतनी सूट नहीं कर रही, मुझे लूज है, मैं मोटी लग रही हूँ, उसमें सब कुछ मुझे पता चल रहा था, लेकिन मैं ब्लॉग तो बना चुकी थी ना, तो ब्लॉग तो आप तक पहुँचाना ही था मुझे। हाँ, ये बात है, तो चलो कोई बात नहीं, गाइस हो जाता है सबके, लोगों की तो शादियों के टाइम पे साड़ियाँ खराब हो जाती हैं, गलत कलर चॉइसिंग हो जाती है। मेरी कजन सिस्टर की शादी थी, लेकिन उसकी शादी का मुझे बड़ा क्रेज था, और पता है मैंने उसकी शादी के लिए एक लहंगा सिलवाया, क्योंकि मेरी शादी के बाद शायद उसी कृष्णा नगर लेके गया था मैं तुम्हें, और ऊपर उन्होंने वहाँ पे जरा
बहुत सारी शॉप्स में क्या होता है ना, फैंसी सी लाइट्स लगी रहती है, जला के रखते हैं येलो कलर की, तो आपको हर कपड़ा ना बहुत अच्छा ही लगेगा। तो उन्होंने कुछ ऑरेंजिश टाइप का कपड़ा दिखाया, मैंने रीमा ने मुझे पहन के दिखाया और अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने कहा अरे यार बहुत बढ़िया, और जैसे ही घर लेके आए उसे वो लग रहा था कि जैसे देवी माँ बन के बैठ गई हुई है। और तो ना वो एक मिनट में इनका डिसीजन चेंज हो गया, जो कि काफी महंगा लहंगा था। इन्होंने बोल दिया रीमा इस लहंगे को तुम नहीं पहनोगी, अब मैं चाहे तो मैं दूसरे कपड़े दिलाऊं, चाहे भले ही हमारे पैसे बर्बाद हो गए हो। वो दिन है और आज का दिन है, उसी लहंगा शॉप से आके आज भी कबर्ड में रखा हुआ है, पहना कभी नहीं गया। मैंने दूसरी साड़ी पहनी थी, वो नहीं पहना था। ये कहानी है उस लहंगे की। तो कभी कभी गलत चॉइसेस हो जाती हैं, सभी लोगों के संग होती है, रीमा के संग ही क्यों, आप लोगों के संग भी हुई होंगी। जिन लोगों ने रीमा को फीडबैक दिया कि भाई अच्छी नहीं लग रही, आपके संग भी हुई होगी। बस ये वाली बात है कि आप लोग दिखाते नहीं हो, रीमा दिखाती है तो सबको मालूम पड़ जाता है। इतने सारे लोगों की चॉइस दोनों कैमरे पर है मेरी। हाँ। और आपको बता दूं, जब हमारे घर में कोई बड़े फंक्शंस होते हैं और उससे पहले हमारा कोई कपड़ा अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है, तो हमें सही टाइम पर अगर सही अकल आ जाती है तो वो जो है सही है। लेकिन ये जो चीज है ये रेगुलर व्लॉगिंग है। यहाँ पर अगर मुझे पता भी चल गया कि ये चीज मुझ पे सूट नहीं कर रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? दो चार लोगों में ही तो बैठना उठना है, कोई ऐसा तो है नहीं ना। लेकिन दिखाने इतने सारे लोगों को है ना, तो देखो मालूम पड़ गया ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। रीमा की चॉइस हमेशा और नहीं दो क्या, और नहीं दो क्या। और बाकी तुम दूसरों के सजेशंस मानती भी हो, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं मानती हो। नहीं, मुझे जो पॉजिटिव सजेशंस होते हैं वो हमेशा से पसंद है। ऐसे ही रीमा ने अभी कुछ दिन पहले, एक आध महीने पहले वो डाला था, अपना एक पोल डाला था। बहुत लोग रीमा की शॉपिंग पे बोलते थे कि भाई शॉपिंग आप इतनी ज्यादा करते हो, ये वो फलाना ढिमाका। तो रीमा ने एक पोल डाला, ठीक है मैं नहीं डाला करूंगी आइंदा से। तो लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो पसंद है आपकी शॉपिंग। उसमें तो वोट ही सारे यही आए, सारे ही 85% लोगों ने ये बोला कि भाई हमें आपकी जो शॉपिंग हॉल्स होते हैं वो सब सबसे बेस्ट लगते हैं। तो जो जनता के आदेश, हाँ जनता के आदेश में वही कर रही हूँ। एग्जैक्टली। तो गाइस दिल पे मत लो, कोई बात नहीं, वो सूट अब कम पहना जाएगा। Good enough, but you're all I need. I'll take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there.